हेलो फ्रेंड्स, आज हम दाढ़िये के लड्डू बनाने जा रहे हैं। दाढ़िया मतलब कि जो चने भुजे जाते हैं उसे छील के जो निकालते हैं उसे दाढ़िया बोलते हैं। हम उसी के लड्डू बनाने जा रहे हैं और यह बहुत हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। चलिए हम बनाते हैं। इसे किस तरह बनाया जाता है यह देखते हैं। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, धन्यवाद। मैंने ये 2 कटोरी भर के भुने हुई चने की दाल ले ली है। जो चना फूटाने जो भूनते हैं उसके छिलके निकाल के जो दाल मिलती है उसको दाढ़िया बोलते हैं हम लोग, वो ले लिया है। और ये दूसरा का हम इसे अच्छे से थोड़ा देख लेंगे और फिर माइक्रोवेव में हम इसे 30 सेकेंड के लिए गरम कर लेंगे। माइक्रोवेव के लिए रख रहे हैं। ये 30 सेकेंड हो गए, हम इसे बाहर निकालेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है हमने और ठंडा होने। ये दाढ़ी अच्छे से ठंडे हो गए। यह अच्छे से पीस गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारा अच्छे से बारीक हो गया, अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। इसे अच्छे से छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके छानते जाएंगे। इस तरह से हमने पूरा छान लिया और ये जो थोड़े थोड़े टुकड़े जैसा सब बचा इसे हम, आप चटनी वगैरह बनाते हैं हरी धनिया की तो उसमें सिंगदाने की जगह इसे भी डाल सकते हैं या निकाल भी सकते हैं। थोड़ा सा हाथ से इस तरह हमने ये पूरा छान लिया। किलो दाढ़िया लिए थे उसमें 1.5 कटोरी शक्कर डालेंगे। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। यह पूरी 1.5 कटोरी हरी शक्कर भी पीस गई है, एकदम बारीक पाउडर। इसे भी हम दाढ़िया जिसमें हमने छाना है उसी बाउल में इसे भी छान लेंगे। हम शक्कर भी छान लेंगे। शक्कर भी डाल देंगे इसमें। देखिए हमारी शक्कर भी हमने। अब इस
उसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम इलायची, जायफल कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ घी से इसे बना लेंगे। हम घर का शुद्ध घी से इसे बनाएंगे। घी को हम थोड़ा अंदाज से डालना पड़ेगा, एक बाटी जितना घी डालेंगे हम, या एक कटोरी भर के घी लगेगा मिनिमम। इसे आप मिक्स करते जाइए और इस तरह से हाथ से ऐसा करते जाइए। घी को कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, यह आपके हाथ से ही थोड़ा गर्माहट लेगी। इसे इस तरह से मिक्स करते जाइए। हमने उतना ही घी डालना है कि इसके लड्डू अच्छे से बन जाए। और यह बने उतना भैंस के घी से बनाइए, गाय के घी से इसे यह जमता नहीं है जल्दी। चाहे तो आप बना सकते हैं गाय के घी से, थोड़ा कम यूज़ करके। हम 2 चम्मच घी और डालेंगे। हम इसमें 2 चम्मच घी और डाल रहे हैं। पूरा 1 बाटी जितना ही घी लग गया है, पर आप देख के डालिए, कभी कभी 1/4 बाटी घी से भी यह बन जाता है। इसे हाथ से इस तरह से मलते जाए। हमको अपने हाथ की गर्मी से इसमें घी को डाइल्यूट करना है। इस तरह हमारा यह दाढ़ी का लड्डू का बन गया। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। इस तरह इसको अभी हाथ से मल लेंगे। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए घी डालने के बाद कि इसके लड्डू बन सके। अब हम इसके लड्डू बनाने जा रहे हैं। आप इससे अलग अलग शेप दे सकते हैं, पर मैं सीधे सादे लड्डू बना। इस तरह हम इसे पूरे ऐसे दबा दबा के अच्छे से गोल करते जाएंगे और लड्डू बनाते जाएंगे। इस तरह से हम बना के रखते जाएंगे। इस तरह हमारे यह पूरे 15 लड्डू बन गए। यह खाने के लिए बहुत पौष्टिक है और 3 ही इंग्रेडिएंट से बन जाता है, शक्कर, घी और दाढ़िया। इसे ना से ज़्यादा सेकने की झंझट है ना कुछ, बहुत जल्दी बनता है और यह बहुत हेल्दी रेसिपी है। मैं सुधाश किचन से सुधाश शाह बोल रही हूँ
आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।